यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। इससे ये साफ होता है कि वो दिल्ली के रास्ते पर निकल चुके हैं। अब प्रदेश की राजनीति से उठकर अखिलेश देश की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। यूपी में अखिलेश के नेतृत्व में जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अब वो यही कारनामा शायद पूरे देश में करना चाहते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस जीत के चलते अखिलेश यादव से विपक्ष की उम्मीदें भी बढ़ चुकी हैं। ये भी तय है कि इंडिया गठबंधन का वो धड़ा जो कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में नहीं रहा है, वो अब बिल्कुल चाहेगा कि अखिलेश मुख्य भूमिका में आ जाए। इस तरह से ये तय है कि राहुल गांधी के लिए अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती बनकर उभर सकते हैं। आइए इस बात को अलग अलग बिंदुओं से समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो सफलता मिली है उसमें समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले तक कोई आधार नहीं था। पिछले चुनावों में अमेठी से राहुल गांधी की हार हुई थी और कांग्रेस से सिर्फ सोनिया गांधी ही चुनाव जीत पाई थी, वो भी काफी कम मार्जिन से। अब समाजवादी पार्टी की इस आंधी में कांग्रेस के कैंडिडेट भी जीत पा गए। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और 6 पर उसके हिस्से जीत आई। इससे यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका में आ गई। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में कई पार्टियों के नेता शामिल हुए थे और उन सब में एक बात बहुत ही मिलीजुली दिखी कि कोई भी अपनी पार्टी की कीमत पर सीट शेयरिंग के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में इंडिया गठबंधन को बनाए रखना और अपने अहंकार को अलग रखकर चतुराई से सीटों का बंटवारा करना, ये सबको सीट शेयरिंग के लिए तैयार करना, इसमें अखिलेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस थोड़ी मजबूत थी, वहां विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो मजाक बनाया गया वो भी काफी सुर्खियों में रहा था। राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव के बाद पैन इंडिया लीडर बनते नजर आ रहे हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों में पहले से ही समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े होते आए हैं। महाराष्ट्र में भी सपा की पोजीशन अच्छी है। जहां तक विपक्षी नेता के तौर पर बात करें तो इसमें अखिलेश कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारी पड़ते दिखते हैं। इसके पीछे कारण ये कि अखिलेश यादव खुद 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और करीब 7 सालों से यूपी में नेता प्रतिपक्ष हैं। एक बात और कि समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा और हिंदी पट्टी में 37 सांसदों के साथ वो देश के तीसरे सबसे ताकतवर दल के रूप में उभर आए हैं। उत्तर भारत में यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों में जितनी बेहतर आवाज अखिलेश यादव दे सकते हैं, उतनी शायद राहुल गांधी नहीं। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का दिल्ली की राजनीति की ओर रुख करना राहुल गांधी के लिए एक चैलेंज हो सकता है। NVT ऑनलाइन की रिपोर्ट।